मुठभेड़। बिजनौर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जंगल की ओर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि एक पुलिसकर्मी भी गोली की वजह से घायल हो गया। 12 बजे तक चली मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटी गई एक वैगन आर कार भी बरामद की। फिलहाल घटना में घायल पुलिसकर्मी और बदमाशों को उपचार के लिए बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में बिजनौर SP सिटी प्रवीण रंजन ने बताया, गिरफ्तार हुए बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये जनपद अमरोहा का रहने वाला है। पुलिस को बरामद हुई वैगन आर कार भी बदमाशों ने चांदपुर से 23 जुलाई को लूटी थी, जिससे कि वो बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की कवायद की जा रही है। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। पौने 10 बजे कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वैगन आर कार में संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इस सूचना पर संपूर्ण जनपद में प्रभावी तरीके से चेकिंग के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए थे। आज लगभग 12:15 बजे चंडक की तरफ से एक कार मंडावर बिजनौर रोड पर हरियर नगर चौकी के सामने रोकने का प्रयास किया गया तो फायरिंग करते हुए लोग गाड़ी लेकर भागे। आगे आके कुछ दूर पर इनामपुरा मोड़ है, वहाँ गाड़ी मोड़ा इन लोगों ने। गाड़ी सड़क के किनारे खाई में चली गई, जिसमें से एक व्यक्ति उतर के भागा। दूसरा जो चला रहा था वह उतर के फायरिंग करते हुए भागा। जवाबी फायरिंग में उसके गोली लगी, घायल हुआ। हमारे स्वाट टीम के एक कांस्टेबल को भी गोली लगी, वह भी घायल हुआ। दोनों का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम अकबर है, जो कि अमरोहा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूर्व में इसके विरुद्ध लूट के 4 मुकदमे दर्ज हैं और अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि जो वैगन आर कार है, वह कार विगत 23 जुलाई को जहर खुरानी करके लूट के लोग ले गए थे थाना चांदपुर में, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। अन्य विधिक कार्रवाई जारी है।